तो फ्रेंड्स आपने टेंस सीखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओप सॉरी, मैंने तो अभी तक सिर्फ टेंस को और पास्ट टेंस को ही इंडिविजुअली कवर किया है, टेंस के रेस्ट दो टाइप्स को तो कवर किया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, क्यों? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। बट रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू माई थंबनेल आज मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर देन, एज यूजुअल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माई नेम इज रश्मि गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप जानिए कि टेंस का संबंध वर्ब से यानी कि क्रिया से होता है, यानी वर्ब के फॉर्म से होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का फॉर्म हमें बीते हुए समय का सेंस देता है तो वो सेंटेंस फिर पास्ट टेंस में है। एग्जैक्टली द सेम, अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब का फॉर्म हमें करेंट एक्शंस यानी कि वर्तमान क्रियाकलापों का सेंस देता है तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत करते हो? शी इज गोइंग, वो जा रही है। इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर है, हो, हूँ जैसे वर्ड्स आता है तो जानिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ठीक उसी तरह इंग्लिश सेंटेंस में अगर इज, आर, डू, डज जैसे वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली वो सेंटेंस फिर प्रेजेंट टेंस में है। नाउ लेट्स मूव टू इट्स टाइप्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे किसी किसी जगह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसे भी कुछ जगहों में, कुछ बुक्स में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी लिखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिटी ये है कि ऐसे सेंटेंस में इंक्लूड होता है सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब वन। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। दे प्ले, वे खेलते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन था सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, उसके लिए। अब अगर आप सेंटेंस के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन पर टैप कीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो, यानी नकारात्मक हो तो, लाइक I do not read, मैं नहीं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ती हूँ। I do not play, मैं नहीं, वे नहीं खेलते हैं। तब ऐसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए नोट कीजिएगा कि उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एंड देन लास्ट में होगा वर्ब वन। अब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में हो तो, जैसे डू आई रीड, क्या मैं पढ़ती हूँ। Do they play? क्या वे खेलते हैं? तब भी इसे आइडेंटिफाई करना आसान है। तब मार्क कीजिएगा कि ऐसे सेंटेंस में होगा do does plus subject plus verb one and then लास्ट में होगा mark of interrogation। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो ये थी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के तीनों टाइप के सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन। अभी रुकिए, अभी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं इसके तीनों टाइप्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि आज समय बहुत कम था और मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये वीडियो क्रिएट किया है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।